उनको अगर आप चारा देते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। केसरिया रंग के वस्त्र धारण करेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। आज का दिन जल्दीबाजी में निवेश करने से बचने का दिन है, तो बिना सोचे समझे निवेश न करें। और आप जानते हैं कि धनुराशि वालों का आज का दिन आज कैसा रहने वाला है। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए काम आसानी से कर सकेंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अधिक लाभदायी नहीं हो सकता है। परिवार के लिए प्रसन्नता का माहौल बनेगा। जीवन साथी के साथ आप एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। आज का दिन जो है आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं अपने परिवार के साथ। आज की दिनचर्या में क्या करना चाहिए आइए इसको जानते हैं। सूती लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांध करके अपने शयन कक्ष में रखना या अपने साथ रख करके चलना आपके आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर रखेगी। पीले रंग के वस्त्र धारण करके देवी की आराधना करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। आइए अब मैं बताता हूं कि आज क्या नहीं करना चाहिए। कार्य में अवरोध से थोड़ा सा मन निराश हो सकता है, तो मन को निराश न करें, वाद विवाद से बचे। चलिए तो दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, कुछ और राशियों के बारे में भी बात करेंगे आचार्य जी, लेकिन यहाँ पर सुरेश जुड़ गए हैं हमारे साथ ऋषिकेश से। सुरेश बहुत बहुत स्वागत है आपका कुंडली में। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग जी। सुरेश किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैम मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। अपनी जन्म की तिथि बताइए सुरेश। हाँ जी मैम, 9 मार्च 1977 जी। जन्म का समय 8:20 सुबह। और जन्म का स्थान सुरेश? टीडी। टीडी, क्या जानना चाहते हैं सुरेश आप पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, जिस काम में मैं हाथ डालता हूँ उसमें मुझे सफलता नहीं मिलती। जी सुरेश जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान दशा जो है वो शनि की महादशा चल रही है, तो ऐसे समय में आपको उपाय करना चाहिए शनिदेव के। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान करना, कोयला, काले वस्त्र, काले तिल का दान करना, सरसों के तेल और उड़द के साथ किसी लोहे के पात्र में तेल भर करके उसमें अपना मुख देख करके पीपल के पेड़ की जड़ के पास रख देना या शनि मंदिर में छोड़ देना, जिसे छाया दान कहते हैं, ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। क्योंकि शनि आपकी कुंडली में एक तरफ तो आय भाव का स्वामी है ही है, लेकिन दूसरी तरफ व्यय भाव का स्वामी हो जाता है, जो आपको बहुत ज्यादा खर्च दे रहा है और लगातार नुकसान और क्षति की स्थिति दे रहा है। ये छोटे से उपाय कर लेने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, जीवन सफल हो जाएगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे आचार्य जी। यहाँ पर डिम्पल जुड़ गई है, एक दर्शक हमारे साथ मथुरा से। डिम्पल स्वागत है आपका कुंडली में। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। डिम्पल पंडित जी, मुझे अपनी बहन के लिए पूछना है, उसका जन्मतिथि है जी 13 अप्रैल जी 1987। जन्म का समय है 3:50 दोपहर के जी। और जन्म का स्थान डिम्पल? मथुरा है। मथुरा है, क्या सवाल पूछना चाहती हैं? क्या उनके ग्रह में कोई मतलब कालसर्प योग वगैरह है या उनकी शादी का योग कब तक है? जी देखिए, कालसर्प योग तो ऐसा कोई विशेष नहीं है, आंशिक कालसर्प योग बन रहा है जिसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। जहां तक विवाह की बात कर लें तो राहु में चंद्रमा की स्थिति है, राहु के लिए विशेष दान करना और बृहस्पति के लिए कुछ पूजा आराधना कर लेना आपके बहन के विवाह में जो बाधा आ रही है उसको दूर कर देगा। तो ओम रंग राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना नित्य, और ओम वृंग बृहस्पतये नमः या ओम नमो नारायणाय, इन दो में से किसी भी एक मंत्र का निरंतर प्रयोग करते रहना। गुरुवार के दिन जो गुरुवार व्रत कथा होती है वो करना। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का ध्यान करके पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की आराधना करना विवाह में आ रही बाधा को दूर करेगा। उसी के साथ साथ पार्वती मांगल्य या सीता मांगल्य करके दो पाठ आते हैं, इनमें से कोई भी एक पाठ का जाप कर लेना, पाठ करना निरंतर, गीता प्रेस की पुस्तक आती है उसका पाठ करना आपके बहन के विवाह में जो भी बाधा है उसको तत्काल दूर कर देगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कुछ और राशियों की। मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। जी मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ मानसिक चिंताएं रहने वाली हैं, आजीविका के क्षेत्र को लेकर के परेशान व चिंतित रह सकते हैं। प्रयास करने से आय भी बढ़ेगी और कहीं अच्छा व्यय होने की भी संभावना दिखाई देती है, तो आज की तिथि में आपको थोड़ा सा सचेत रहना है, जहां आवश्यक हो वहां खर्च करें। लाल चंदन का तिलक देवी भगवती को अर्पित करने के बाद स्वयं अपने मस्तक पर लगाएंगे, ललाट पर लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। गहरे नीले रंग के कपड़े वस्त्र धारण करें तो आपको लाभ मिलेगा। किसी के बारे में पहले से कोई धारणा न बनाएं या किसी के बहकावे में न आए। बिल्कुल, अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ परेशानियां आ सकती हैं, उपाय क्या है? जी कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए धन की प्राप्ति हो सकती है तथा उसके निवेश व उचित उपयोग के लिए व्यावसायिक सेवाएं आपको लेनी पड़ सकती हैं, यानी फाइनेंस मैनेजमेंट का आपको कुछ न कोई आपको कहीं से कंसल्टेंसी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए। इस समय पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्वभाव में कुछ क्रोध आ सकता है, कुछ तेजी बनी रहेगी, आपके व्यवहार जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, तो उससे आपको
बचना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि आज आपको क्या करना चाहिए। हनुमान मंदिर में लाल चंदन अर्पित करना, लाल पुष्प अर्पित करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। काले गहरे रंग के वस्त्र धारण करें और भगवती की आराधना करें तो आपके हित में होगा। आज की दिनचर्या में रुपए पैसे के लेन देन में सचेत रहें और क्रोध से बचें। और अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों और बात करते हैं मीन राशि की, मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। जी, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। दिन बहुत शुभ है, शुभ समाचार मिल सकता है। इस समय ऋण प्राप्ति की कोशिशें भी अगर आप कर रहे थे, आप कोई लोन लेना चाह रहे थे किसी प्रकार का, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आज की तिथि में यदि संभव हो सके तो देवी भगवती की आराधना करना चाहिए और एक समय भोजन करके आज व्रत भी करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आइए अब आपको बताता हूँ कि आज क्या नहीं करना चाहिए। मन की चंचलता को नियंत्रित करें, मन में जो भटकाव की स्थिति है उसको कंट्रोल करिए और दिनचर्या को रेगुलराइज करिए, यानी अनियमित जो दिनचर्या है उसको आप थोड़ा सा नियमित करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि महा उपाय क्या है, महामंत्र क्या है। आचार्य जी, माँ ब्रह्मचारिणी देवी का आज दिन है, जी बिल्कुल, कौन सा महामंत्र बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को जिसका उच्चारण करके वो अधिक से अधिक माता का आशीर्वाद। जी बिल्कुल, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। आज की तिथि में माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं, अर्थात ब्रह्म समान आचरण करने वाली, जो आपको तपश्चर्या सिखाती है, यानी जीवन में आगे बढ़ने के लिए तपस्या सिखाती है, मेहनत का एक आपको भाव देती है। तो आज की तिथि में या देवी सर्व भूतेषु मात्र रूपेण संस्थताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो देवी की मातामयी कृपा मिलती है। माता का जो स्वरूप होता है, एक माँ का जो स्वरूप होता है, ममतामयी स्वरूप है, उसकी कृपा आपको मिलती है, जिससे भक्तों के हर प्रकार के कष्ट, हर प्रकार के दुख, दारिद्र वो दूर होते हैं। जैसे एक बालक, एक बच्चा अपनी माँ से अपने कुछ डिमांड पूरी करने के लिए रोता है, उनके सामने जिद करता है और माँ तत्काल उसे आती है और अपने उठा करके अपने सीने से लगा लेती है, इस स्वरूप की आराधना करिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा इस मंत्र से आपको तत्काल मिल जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, तो मंत्र बताया है आपको आचार्य जी ने, इसका उच्चारण कीजिए और माता को आज के दिन प्रसन्न कीजिए। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, महामंत्र बताया, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों कुंडली में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ। नमस्कार। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. India's largest university. With 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. You learn how to make a chocolate milkshake with Big Brother 12. Shake piya. Par banayega kaun? Chocolate ya mango? Mango. Catch your milk 1 minute shake. Na mixer, na blender. Bas pani dalo, milao, aur tayar. Ek aur piyega. Catch your milk 1 minute shake. Mango, chocolate, kesar badam aur rose flavors mein. Navratri ki shubh avsar par Samachar Plus ke saath kijiye आदि शक्ति के सभी रूपों की आराधना, जानिए नव दुर्गा के पूजन की विधि और अपने जीवन में लाइए सुख और समृद्धि। देखिए नवरात्र स्पेशल आदि शक्ति नव दुर्गा सुबह 6:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। जंग का एक मैदान जहां होगी सवालों की सख्त घेराबंदी, तथ्य और आंकड़े करेंगे निगरानी, झूठ बढ़ा देगा जवाब देने वाले की परेशानी, तर्क तोड़ देगा जुबान पर लगे ताले, दिल का भेद निकाल लाएंगे
सच के नुकीले भाले। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह शनिवार रात 8:30 और रविवार सुबह 10:30 सिर्फ समाचार प्लस पर। बहुत जल्द बदल सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का चेहरा। सोनिया पीएम के बाद आज राहुल गांधी करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात। कांग्रेस के बाद केजरीवाल के निशाने पर आए बीजेपी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की आज खोल सकते हैं पोल। अखिलेश की अगुवाई वाली यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो सकते हैं फैसले। बन सकती है सूबे के लिए नई आईटी नीति। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बढ़ाई गई सुरक्षा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बढ़ाई सुरक्षा। सीएम की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 21 एनएसजी कमांडोज। उत्तराखंड सरकार ने गुटखे पर बैन लगाने के चंद घंटे के भीतर ही फैसला लिया वापस। अब अगली कैबिनेट बैठक में होगा फैसला। आर्थिक तंगी और कर्ज ने बांदा में ली एक और किसान की जान। आला अधिकारी मौत के कारणों की जांच में जुटे। दुर्लभ पशु पक्षियों की तस्करी के लिए शातिरों ने अपनाया नया हथकंडा। ट्रेनों में पार्सल के जरिए तस्करी। गाजियाबाद जीआरपी ने पकड़े दुर्लभ खरगोश और कछुए। टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में भी घूम सकेंगे सैलानी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक हटाई। पर्यटकों ने किया फैसले का स्वागत। रामनगर में बाघ के शिकारियों की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने भेजा 14 दिन की न्याय हिरासत में। लाठी डंडों से पीटकर बाघ को उतारा था मौत के घाट। और नवरात्र के दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। देवी के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो आ रही है पौड़ी से। एजेंसी चौक के पास एक घर में सिलेंडर फटने की घटना सामने आई है और इस ब्लास्ट पर अब तक के तहत जो आग लगी है उस पर आग पर काबू अब तक नहीं पाया जा सका है। आपको बता दें कि सिलेंडर फटा है घर में और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सकी है। एजेंसी चौक के एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट की घटना सामने आई है। 4 सिलेंडर में हुआ धमाका और इस घटना से भीषण आग लग गई है और यह आग लगातार फैलती जा रही है और इसी के मद्देनजर आग बुझाने में दमकल कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर पौड़ी से, जहां एजेंसी चौक के पास एक घर में सिलेंडर फटने की घटना सामने आई है और एक नहीं बल्कि 4 सिलेंडरों में जबरदस्त विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के चलते आग लगातार फैलती जा रही है और दमकल कर्मियों को आग बुझाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। मौके पर अब तक एक ही गाड़ी पहुंच पाई है और जो फिलहाल जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक अब तक आग बुझाने में दमकल कर्मी कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि 4 सिलेंडरों की फटने से आग लगातार फैलती जा रही है। आग जिस तरह से इस वक्त फैली हुई है उस घर के आसपास, उसे बुझाने में दमकल कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब तक यह भी साफ नहीं हो पाया है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कितने लोग इस घर में मौजूद थे और कितने लोग हताहत हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है पौड़ी से, एजेंसी चौक के एक घर में 4 सिलेंडरों में धमाका हुआ है और इस धमाके के बाद भीषण आग लग गई है जिसे बुझाने में दमकल कर्मी अब तक कामयाब नहीं हो पाए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से ही। उत्तराखंड सरकार ने गुटखे पर कल बैन लगाने की घोषणा की थी, लेकिन सिर्फ चंद घंटे के बाद ही सरकार ने गुटखे से बैन लगाने का फैसला वापस ले लिया। अब अगली कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कल शाम को खबर आई थी कि कल जब तंबाकू उत्पादों पर बैन लगाने का लिया गया था फैसला, लेकिन फिलहाल सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया है। सरकार की जब अगली कैबिनेट बैठक होगी
उस बैठक के दौरान फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें 20 अक्टूबर को होनी है कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में लिया जाएगा फैसला। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं समाचार प्लस संवाददाता पंकज पवार। पंकज, कल गुटखों पर और पान मसाले पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन चंद घंटों में यह फैसला